चलो क्या कर रहे हो? इधर आ भैया। आज इसकी ना आज इसका रिजल्ट डे है। टीचर क्या बोलेगी? कुछ बोलेगी? कंप्लेन करेगी? इंग्लिश वाली मैम नहीं करेंगी चाहिए था। इंग्लिश वाली मैम कंप्लेन करेगी? क्योंकि मुझे चाहिए फुल मार्क्स चाहिए थे 10 में से। 10 में से फुल मार्क्स आएंगे तो कंप्लेन करेगी? नहीं, फुल मार्क्स। फुल मार्क्स आएंगे? हां, फुल मार्क्स चाहिए। पास हो जाओगे? इंग्लिश का पास नहीं होया हूं मैं। इंग्लिश का फेल हुआ हूं, बाकी सब में पास हो गया। बाकी सब में पास हो गया, इंग्लिश में फेल हो गया। नेक्स्ट क्लास में चला जाएगा? चला जाएगा। तो गाइस हम सस्देस के निकल पड़े हैं गुरमेल का रिजल्ट लेने। आपको कुछ कहना है? नो। आप तो कह रहे हो आप इंग्लिश में फेल हो, लेकिन आप पता चला वो होएंगा नहीं। होएंगा नहीं क्या होता है? होएंगा का मतलब क्या होता है? आप अपना नाम तो बता दीजिए, इंट्रो तो दे दीजिए। माय नेम इज गुरमेल। मैंने पहले कहा था मेरे पत्ते पड़े ना लैपटॉप खरीदना। आपने लैपटॉप क्या करना है अभी? हाँ, क्या करना है लैपटॉप आपने? सीखूंगा। क्या सीखोगे उसमें? आप कौन सी क्लास में हो? हम अभी तो थर्ड में होगा। और आपको लैपटॉप चाहिए? सबको आता है चलाना मेरे क्लास में। अच्छा, आप तो फेल हो गए हो, आप बोल रहे हो लैपटॉप क्यों चाहिए? ओ आएंगा ही नहीं इंग्लिश। मैडम नहीं आएगी, लेकिन रिजल्ट तो आएगा ना। चलो देखते हैं। हमारे यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चलता रहता है। अभी ये फ्लाईओवर नया बना है, खत्म नहीं हुआ। सुबह सुबह एक्सीडेंट भी, सॉरी सुबह नहीं दोपहर को। टाइम हो गया है 12:30 हो गए, हम लेट हो गए। तो छेती करो। छेती करो? छेती क्या होता है, जल्दी करो। अब सीन ऐसा है, भाई साहब हमारे हो गए हैं पास। इन्होंने ले लिए समोसे कैंटीन से, और अब हम चले हैं कहाँ? मैकडॉनल्ड्स। मैकडॉनल्ड्स भी जाना? मैं कहूँगा भाई मेरे लिए तो नहीं। और क्या खाओगे भाई आप ये बताओ, मैकडॉनल्ड्स से क्या खाओगे? फ्राइज बर्गर। फ्राइज बर्गर? पीने के लिए मुझे नहीं पता। पीने के लिए नहीं पता? पेंटा पियोगे? जूस पियोगे? उसके ऊपर क्रीम आया, पेंटा के ऊपर क्रीम लगा। अच्छा, आपने मैक फ्लोट पीना है। गला ठीक है आपका? बिना आइस के ऊपर आइसक्रीम डाल दी, एक ही बात हो गई। आपके टीचर ने क्या बोला? बच्चे हो घर पे तो बड़ी शरारतें करते हो। मैंने कहा पार्टिसिपेट करते हो हर चीज में, पहले नहीं करते थे ना। आपका फेवरेट ब्लॉगर कौन है? एज यूजुअल बच्चों का फेवरेट सौरभ जोशी। सौरभ भाई उनके पास सुपर स्टार है। और क्या क्या है उनके पास? उनके पास कम से कम तीन सुपर कार है। आपको सब पता है उनके बारे में? उन्होंने
उन्होंने एक और ले ली। कौन सी वाली ली? पोर्शा। तीन पोर्शा है उनके पास। आपको तो पूरी नॉलेज है उनके बारे में, रेगुलर देखते हैं उनके ब्लॉग्स। घर चलते हैं, पेट बुझा हो गई है। गुरमेल को कर दिया हमने घर पे ड्रॉप। अब हमें एक दो जरूरी काम निपटाने हैं, उसके लिए हम निकले हैं। कुछ डिपॉजिट्स करने हैं, कुछ विड्रॉवल्स करने हैं। इनकमिंग बंद है, आउटगोइंग चालू है। आता कुछ नहीं है, जाता बहुत कुछ है। करें तो क्या करें। गर्मी बहुत हो गई है, दोनों जून जुलाई में क्या होगा। फिलहाल हमने अपना छोटा सा सेटअप कर लिया है, होपफुली फोन गिरे ना, बहुत शेकी हो रही है। कुछ करना पड़ेगा इसका। फिलहाल तो हम आए थे थोड़े बहुत गियर्स लेने, एक हमने मोबाइल स्टैंड लिया है क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई एसेसरी तो है नहीं व्लॉगिंग के लिए। एक मोबाइल है, मैं उससे ही करने वाला हूँ। एंड एक्सटर्नल माइक लिया है फॉर बेटर ऑडियो, लेकिन अभी उसकी बैटरी लो है तो उसको मैंने चार्जिंग पे लगाया है। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है टॉकिंग टू द कैमरा, समथिंग न्यू फॉर मी। इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं अपने बारे में कुछ आपको बता दूं, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूं। मेरा नाम है राज, मैं जलंधर से हूं। मैं बेसिकली तो जलंधर से ही हूं, बट मेरा सारा बचपन जो है शिलोंग मेघालय वहां बीता है। हमारा फैमिली बिजनेस वहां पे, तो मैं बहुत छोटे बचपन से ही वहीं पे था। मैंने अपनी स्कूलिंग वहां से कंप्लीट की है, मैंने अपनी कॉलेज सिंगापुर से कंप्लीट की थी। जब मैं क्लास 5, 6, 7, 8 में था तब मैं बोर्डिंग स्कूल में था, आसाम राइफल्स पब्लिक स्कूल। देन मैं डे स्कूल में शिफ्ट हुआ आर्मी स्कूल, आर्मी पब्लिक स्कूल शिलोंग। कुछ सालों के बाद देन मैं यहाँ शिफ्ट हुआ दोबारा। यहाँ मेरे ग्रैंड पेरेंट्स ओल्ड हो रहे थे तो फिर मुझे यहाँ शिफ्ट होना पड़ा। मेरे मम्मी पापा अभी भी शिलोंग में ही हैं। और जब मैं यहाँ पे शिफ्ट हुआ तो मेरे लिए ऑल ऑफ अ सडन बहुत बड़ा कल्चरल शॉक लगा मुझे, बहुत बड़ा। फ्रॉम ऑल द वे टू द ईस्ट अचानक से मैं वेस्ट पे आ गया। सारे मेरे बचपन के दोस्त, सारे स्कूल फ्रेंड्स सब अब वहीं रह गए। अब यहाँ पे एक ग्रोन अप मैन के लिए फ्रेंड्स बनाना इतना ईजी होता नहीं है। बने, कुछ फ्रेंड्स बने, सब अपनी अपनी जगह सही है, अच्छे हैं, ठीक है। बट देर इज वन पर्सन, एक बंदा जो अगर मुझे कभी भी लाइफ में कभी मैं कुछ किसी चीज़ के लिए कंफ्यूज होता हूँ, कुछ होता हूँ, मुझे गाइड देने वाला मिस्टर रंधावा, हम उनसे भी जल्दी मिलाएंगे आपको। घर जाके करेंगे लंच, लंच के बाद देखेंगे आगे क्या करना है। कार वॉश करवानी है पहले, पता नहीं मैंने एक पेड़ के नीचे गाड़ी खड़ी की थी उसमें सम काइंड ऑफ लिक्विड कुछ गिर रहा था, वो स्पॉट 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 सारे ग्लू की तरह, गम ना ग्लू उसकी तरह से स्पॉट 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 हो गए। अरे इसी का ब्लोअर सीधा इस पर पड़ रहा है, इसमें फू 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 आवाज आएगी, मेरी आवाज तो आनी ही नहीं है। अंधेरा हो गया, हम गुफा में आ गए। मन कर रहा है दूर कहीं पहाड़ों में चले, चिल्ड लाइफ हो, शांति। लाइफ में शांति नहीं है, पता नहीं क्या, भाग दौड़ भाग दौड़ भाग दौड़, कहाँ कहाँ भागे, क्या क्या करें।
मैकडोनल्ड गया था, गुरमेल को तो हमने ड्रॉप कर दिया, मैकडोनल्ड गए थे, बट मैंने जस्ट कॉफी पी है वहां से, क्योंकि मैं यूजली ज्यादातर घर के आगे से बस आ गई है, पीछे करनी पड़ेगी गाड़ी। मैं प्रेफर करता हूँ घर का खाना, क्योंकि एक टाइम पे मैं बहुत ज्यादा ओवरवेट था, मैं 125 केजी का था, 125 किलो का सांड, फिर मैंने वेट रिडक्शन किया अपना, बड़ा टाइम लगा, एक साल लगा, अब तो फिर से मैंने गेन कर लिया है, पता नहीं मैंने क्या किया अपनी बॉडी के साथ। कोरोना से पहले बहुत रेगुलर जिम जाता था मैं बहुत एडिक्टेड था वर्कआउट को लेके, पर कोरोना हुआ, लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन में ऐसे लेजी हुए हम, ऐसे लेजी हुए, बस गेन कर लिया फिर से जो करना था। और ये मेरा पहला व्लॉग है, मेरे को हेयर कट भी करवाना है, ट्रिमिंग भी करवानी है, वैसे ही जंगली बना हुआ हूँ मैं, करेंगे सब करेंगे, फिलहाल तो घर चलते हैं और खाना खाते हैं। कुकु। तो गाइस मैं घर आके लंच करके सो गया था, एंड अब मैं उठा तो बचे हुए हैं 8। इस व्लॉग को करते ही एंड होपफुली आपको अगर पसंद आया हो तो डू मोटिवेट मी टू मेक सम मोर व्लॉग्स, अच्छी तरह से मैं और व्लॉग्स बना पाऊँ। लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना, मिलते हैं फिर से।